हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस गुरुजी। आज हम कैबिनेट मिशन की बात करेंगे। कैबिनेट मिशन, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली बने तो उन्होंने भारत में व्याप्त असंतोष की जानकारी के लिए जो है संसदीय मंडल भारत भेजा। देखिए हुआ क्या था, बेसिकली आपने पढ़ा होगा क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, उसके बाद एक कैबिनेट मिशन आया था जिसमें अब उन्हें ये पता लग गया था कि भारतीयों के अंदर जो असंतोष है वो कहीं ना कहीं उसको दबाना जो है टालना बहुत मुश्किल है। तो 3 सदस्यीय टीम थी, स्टॉफर्ड क्रिप्स, पैथिक, लॉरेंस और अलेक्जेंडर शामिल थे। इनको भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को अपनी कुछ घोषणाएं की जो इस प्रकार हैं, इसे बात करते थोड़ा सा। जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशीय रियासत दोनों शामिल होंगे। उस टाइम था क्या कि एक तो ब्रिटिश प्रांत था जिसपे ब्रिटिश का प्रत्यक्ष रूल था, एक देशी रियासत था जिनकी संख्या लगभग 560 से प्लस थी। यहाँ पे ब्रिटिश का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। तो जो भारतीय संघ होगा उसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत दोनों शामिल होंगे। यद्यपि इनको विदेशी मामले, प्रतिरक्षा एवं संचार विभाग से दूर रखा गया था, ठीक है ना। केंद्र को संघीय विषय का अधिकार सौंपा गया एवं प्रांतों को इसके अतिरिक्त सभी विषय के साथ आवश्यक शक्तियाँ सौंपी गई थी, ठीक है। तो जो है कहीं ना कहीं शक्तियों का एक डिवीजन देखने को मिला यहाँ पे, और से शक्तियाँ जो है वो भी यहाँ पे रखी गई। संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा किए जाने की बात की गई। तो जो संविधान सभा बनेगी वो प्रांतीय विधानसभाओं से तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा बनाई जाएगी। कैबिनेट मिशन में प्रस्ताव लाया गया। अब इसका श्रेणीगत कैसे बंटवारा होगा उसकी उसको देख लेते हैं हम। तो बम्बई, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा तथा संयुक्त प्रांत, ये एक श्रेणी होगी। दूसरी श्रेणी होगी पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब, असम और बंगाल। तो ये इस प्रकार से इसको 3 श्रेणी बांटा गया था। किसी प्रांत को संविधान पर पुनर्विचार करने का अधिकार था, ठीक है ना। तो कोई भी बंगाल वाला प्रांत हो या पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत हो, इसको संविधान ने पुनर्विचार करने का अधिकार दिया गया था। अच्छा, इस मिशन की कमजोरी क्या थी उसको देख लेते हैं। यद्यपि ये मिशन भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने की गति को तीव्रता प्रदान करने आया था, लेकिन इस पर कई कमजोरियां विद्यमान थी। पहली कमजोरी वो ये थी कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को प्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। इस मिशन का इसमें जिस संघ की परिकल्पना की गई थी उसमें केंद्र को बहुत कम शक्तियाँ दी गई थी। देखा ही आपने कि अवश्य शक्तियाँ भी प्रांतों को दी गई, प्रांत शक्तिशाली था, केंद्र बहुत शक्तिविहीन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं देश के दृष्टिकोण से सही नहीं था। इसमें जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आवंटन किया गया था जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सिखों की स्थिति दयनीय हो गई थी। जाहिर सी बात है कि जो जो नॉर्थ जो पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत था वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके थे और सिखों की स्थिति का दयनीय होना ये लाजमी था। सकारात्मक क्या रहा उसको देख लेते। तो यद्यपि इस मिशन में कुछ कमियां विद्यमान थी, फिर भी इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मिशन ने भारत की एकता और अखंडता का ध्यान रखा और पाकिस्तान की मांग का स्पष्ट अस्वीकार कर दिया था। दूसरे, इस मिशन में संविधान सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर होना था, जो कि लोकतांत्रिक पद्धति को इंगित करता है, ठीक है ना। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखा गया था इसके अंतर्गत। और समय ब्रिटिश प्रांत जो है 293 सदस्य, हम देशी रियासत के 93 सदस्य शामिल थे। इस प्रकार से इसका बंटवारा किया गया था। इस मिशन का महत्वपूर्ण संकेत यह था कि इसमें भारत की पूर्ण स्वाधीनता का स्पष्ट उल्लेख एवं भारत को राष्ट्रमंडल में शामिल होने या न होने का अधिकार था, ठीक है ना। भारत राष्ट्रमंडल में शामिल हो या न हो भारत के ऊपर डिपेंड करता है, और भारत की स्वाधीनता को स्पष्ट रूप से इसमें जोड़ा गया था। कैबिनेट मिशन के इन प्रावधानों को कांग्रेस ने कुछ हद तक स्वीकृति दे दी थी, परंतु उन्होंने अंतरिम सरकार के गठन को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। तो अंतरिम सरकार के गठन की जो बात थी उसको स्वीकार नहीं किया गया था, बाकी कांग्रेस ने कुछ हद तक जो है इस पर कुछ बातें जो थी उसको सहमति प्रदान की थी, ठीक है। कि कारण यह था क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग और संघर्ष आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। उसी प्रकार शुरुआत में मुस्लिम लीग ने मिशन को स्वीकृति दे दी थी, परंतु कुछ समय उपरांत इन्होंने पृथक पाकिस्तान की मांग के आधार पर मिशन को नकार दिया। पहले इन्होंने इसको स्वीकार किया, बाद में इसको नकार दिया, और इसके विरोध में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया, जो कि बहुत ज़्यादा इस दृष्टिकोण से सही। सारी बात है कि सकारात्मक नकारात्मक, मिशन की कमजोरियाँ, मिशन की उपलब्धियाँ, और कैबिनेट मिशन में क्या क्या था, वो सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।